स्टड्स एंड आई वुड जस्ट वांट टू विश देम लक. बॉम्बे जैसी सिटी में प्लेस लाइक दिस इज ऑलवेज लाइक अ सेफ बेट की काम करती करती है जगह ऐसी. एंड आई यू नो आई विश देम लक की आई होप दिस रियली वर्क्स वेल फॉर देम. यार मैं ना बहुत ही मैं चंडीगढ़ का लड़का हूँ. मैंने जिंदगी में पार्टियाँ बहुत की हैं. बॉम्बे में आके एक अलग लेवल की पार्टियाँ हैं यहाँ पे जो शायद दिल्ली में भी नहीं है और चंडीगढ़ साइड भी नहीं है. सो इट्स ग्रेट फन. मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ एंड दोस्तों की जगह है, भाइयों की जगह है. सो आते जाते रहेंगे मैं यहाँ पे. यार मेरा अभी प्रोफेशन ऐसा हो गया है कि अब तो मैं परफॉर्म करता हूँ इन जगहों पे. ऑब्वियसली यू नो लाइक बैरल पे हमने परफॉर्म किया, बहुत सारी जगह बॉम्बे डारा डा की परफॉर्मिंग एयर में है. तो मेरा तो सिंगिंग से स्ट्रेट अवे कनेक्शन हो जाता है. बट अदरवाइज इट्स फन यार. मतलब बहुत सारा यू नो यू फ्रेंड्स के साथ आप जाओ, एक पार्टी का अलग माहौल होता है. घर पर आप उतनी पार्टी नहीं कर सकते ऑब्वियसली, उतनी लाउड म्यूजिक और वो सब फील में. सो इट्स गुड फन बात है. यार फ्रेंकली मैं बताऊँ, मैंने ये वाला बिग बॉस बिल्कुल फॉलो नहीं किया. बट इंस्टाग्राम पे और इन सब पे देख के अपडेट से पता लगता रहता है. तो अब मुझे आई थिंक करणवीर भाई है वहाँ पे अंदर है, दीपिका है, श्री है, रोमिल है एंड दीपक, करेक्ट. अच्छा ओके ये मुझे अच्छा फिनाले टिकट टू फिनाले होने की अच्छा ओके नॉट फॉलोइंग सो पता नहीं बट गुड है, गुड फॉर आई थिंक दीपिका मे बी. बट एक बीच में किसी क्लिपिंग देखी थी जहाँ पे श्री संत इज टेलिंग हर कि तुम चैनल की फेस हो तो तुम्हें जिताएंगे ही. बट आई डोंट थिंक दैट इज द रीज़न. बट अदरवाइज शी इज़ केप्ट हरसेल्फ रियली वेल इन द हाउस. आई थिंक दैट्स व्हाट आई फील. जितना भी देखा है उसने, शी इज़ लॉस्ट हर काम, गुस्सा वुस्सा भी हुई है. बट आई थिंक शी इज डन क्वाइट वेल फॉर हरसेल्फ हियर एंड शी इज इवॉल्वड एज अ पर्सन. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट आई थिंक. आई पिक अप पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगी क्योंकि एक न्यू जगह खुल रही है जो बहुत ही अच्छी है. नाम ही उसका इतना अच्छा है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि देर आर न्यू प्लेसेस ओपनिंग इन बॉम्बे. एंड हम बाहर जाते थे आउट ऑफ इंडिया अलग अलग जगहों पे, बट आई थिंक देर आर बेटर प्लेसेस ओपनिंग हियर. सो आई एम वेरी ग्लैड एंड इट्स माई फ्रेंड्स प्लेस सो आई एम मोर हैप्पी. नाइट लाइफ को तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ. एंड आई रियली लव टू पार्टी एंड आई लव द प्लेस. मैंने जगह का वीडियो देखा, उन्होंने सेंड किया था, इट्स रियली अमेजिंग. इट इज़ मेड वेरी ब्यूटिफुली. सो आई एम वेटिंग टू गो अप एंड पार्टी. जस्ट वेटिंग टू एंटर नाउ. वेरी वेल. अभी ऐसे दिसंबर मंथ है तो आई एम एंजॉयिंग लाइक यू नो इट्स अ पार्टी मंथ. क्रिसमस भी आ रहा है, न्यू ईयर भी आ रहा है. सो आई थिंक इट्स प्री पार्टी. सो नाउ लेट्स गो अप एंड एंजॉय. ओके मैम, हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, एक आपकी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर हो जाए आपके नाम से. हाय फ्रेंड्स, दिस इज डिंपल झांगियानी. मैरी क्रिसमस टू एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू ऑल. हैव अ लवली न्यू ईयर. कंग्रेचुलेशंस टू वीरल. वीरल बहुत शानदार आपकी क्लब है और थैंक यू फॉर मेकिंग अस पार्ट ऑफ इट एंड मेनी मोर टू कम. या थैंक यू. आई एम माय गेस्ट्स आर कमिंग. इससे ज़्यादा अच्छा लगता है जब आपके दोस्त ऊँचाइयाँ छूते हैं एक्चुअली. हाँ डायरेक्ट शूट से आ रही है इसलिए टाइम कम लगा है, सिर्फ ड्रेस ही. अच्छा शूट से आ रहा हूँ. वेरी गुड. अच्छा जी, मैं मधुराक्षी आप सभी को वापस ले लूँ. मैं मधुराक्षी और वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी. आशा करती हूँ कि आप सभी का साल बहुत खूबसूरत हो. पर्सनली मैं चाहती हूँ कि दीपिका जीते. मुझे उन्हें देखना भी बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक श्री और दीपिका में टाई हो सकता है. दिस इज़ व्हाट आई थिंक. काफ़ी एक्सप्रेसिव गर्ल शो आ जाता है तो आप क्या कहना चाहेंगे, अगर आपको कौन सी क्या मजा है?
आई कैन नॉट जज एनी बडी. अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं सुर भी एग्रेसिव है, हो सकता है सिचुएशंस होती हैं जो इंसान को अग्रेसिव बना देती है, या फिर आप ऐसे माहौल में होते हो तो उस तरह से आप रिएक्ट करते हो. हर इंसान अलग तरीके का होता है. बट आई पर्सनली लाइक दीपिका एंड श्री, तो मैं चाहती हूँ दोनों में से कोई एक जीते तो मुझे खुशी मिलेगी. नहीं, बहुत अच्छी बात है. वेनिशियन नया क्लब ओपन हुआ है एंड आई हैव हर्ड के ये बहुत ही अच्छा है और आई थिंक नाइट आउट है, क्लब है, तो लोगों को ये बहुत पसंद आने वाला है और मैं तो पूरी छुप गई हूँ. छोड़ूंगी नहीं मैं सबको. मुझे बलि का बकरा बनाया है, तुम छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को. सो नाइट लाइफ तो कभी कभी जाते हैं, अच्छा लगता है और जाना भी चाहिए समटाइम्स, यू नो. मुंबई की जो नाइट लाइफ होती है, आप कितना पसंद करते हैं और कितना मजा करते हैं? अगर कहते हैं ना कि आगरा में ताजमहल है तो मुंबई की नाइट लाइफ है. सो इट्स लाइक अमेजिंग और यहाँ के क्लब्स इट्स अमेजिंग. और ये तो अभी भी नया आज ही ओपनिंग हुई है ऐसी और वी आर हियर और हम एंजॉय करने वाले हैं. नाइट लाइफ मुझे पसंद है. कभी कभी मैं मूड फ्रेश करने के लिए, लाइट होने के लिए मैं जाती हूँ. जी जी बिल्कुल. मेरी आवाज़ मिल रही है? बिल्कुल. ये ड्रेस मैंने आज स्पेशली ये ओपनिंग के लिए लिया है और ये मैं नाइट आउट के लिए, मैं ऐसे कभी पहनती नहीं. वैसे तो मैं साड़ी पहनती हूँ ज़्यादा, बट मुझे यहाँ पे स्पेशली बोला गया है कि यहाँ पे साड़ी अलाउड नहीं है, तो मैंने बहुत मुश्किल से अपनी साड़ी उतारी है और मैंने ये ड्रेस यहाँ पे लिया है, ये पहनकर आई हूँ. आज साड़ी अलाउड नहीं था, मुझे जाने नहीं दे रहे थे. एक्चुअली मैंने ली थी, पहनकर ही आई थी, मैं साड़ी पहनकर आई थी, बट इन्होंने अलाउ नहीं किया. मेरी साड़ी इज़ नॉट अलाउड. सो मैं इमिडिएटली लोखंडवाला गई और मैं लोखंडवाला से ये ड्रेस लिया और साड़ी मैं वहाँ उतार के मैं यहाँ आई हूँ. मेरी खूबसूरती का राज, मेरी खूबसूरती का राज है दीपक कलाल. हो गया, मैं जाऊं जी. वो लौकी छिल रहे हैं, करेले, मूली सब छिल रहे हैं, बिकॉज 31 नज़दीक है ना, मेरी लाइव वो होने वाली है ना. आप सब आने वाले हैं ना, सबको इनविटेशन है 31 को, आई मीन 30 के रात को, आप सबको आना है. हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं पहली बार लाइव यू नो वो करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप सबको आना है. आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? जी बिल्कुल. नहीं, बार बार दीपक कलाल जी कह रहे हैं कि मैं मर्द हूँ, मर्द हूँ, मर्द हूँ, तो ये हिंदुस्तान की लड़की जो है वो उस दिन देखना चाहेंगी कि दीपक कलाल कितना बड़ा मर्द है. अगर वो मर्द नहीं निकला तो मैं उसको हॉकी से मारूँगी. उसी वक्त मैं हॉकी भी लेके जा रही हूँ और चाकू भी लेके जा रही हूँ. दीपक, अगर तुमने उस दिन कांड नहीं किया तो मैं तुम्हारा कांड कर दूंगी. बाय, लव यू, आऊंगा. क्या कहा नसीरुद्दीन शाह जी ने? नसीरुद्दीन शाह जी को डर लगता है इस देश में? अरे इज अ ग्रेट एक्टर और अभी वो, एक्सक्यूज मी, सब कुछ रोजी रोटी सब कुछ यहाँ मिला उन्हें और अब इस देश में क्यों डरना है? आई डोंट थिंक सो. मुझे तो नहीं लगता मेरे देश में डर. उल्टा मैं मेरे देश में बहुत ही प्राउड से जीती हूँ. नसूरी जी सही तो हो ना, आप ठीक तो हो ना? हाँ, आप अपने देश में क्यों डर रहे हो भाई? जी बिल्कुल, वो नहीं होना चाहिए. वो गाय तो माता है और रिस्पेक्ट होनी चाहिए एंड इन सब चीज़ों में मुझे मत घसीटो प्लीज़. मैं कोई बवाल नहीं चाहती, मैं ऑलरेडी बवाली हूँ, मैं कोई बवाल नहीं चाहती. नासिर जी, हम आपको नहीं छोड़ सकते क्योंकि आप हमारे सीनियर नेता, सॉरी अभिनेता हैं, और हम आपको नहीं छोड़ सकते. कहीं आप इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे इसलिए ये बोल बच्चन तो नहीं कर रहे हो? बट आप लड़िए, आप जीत जाएंगे. थैंक यू. I'm very happy that my very good friend Pranav Gule has opened his new club in Lokhandwala, Andheri Venetian. Naam to sunke bada interesting lag raha hai ki andar kuch Venetian type ka feel milega. And he's a very old friend of mine aur I wish him all the best for whatever he does. So aaj
इनकी ये क्लब ओपनिंग है. आई होप दैट बहुत अच्छा चले और यू नो यहाँ के जो हमारे मुंबई के लोग हैं उनको काफ़ी अच्छा लगे. ये मैं क्लब पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ. दिस वॉज अ प्रणव, तो हम लोग इसलिए आए हैं और मुझे मैम एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि अंधेरी में ये नया कौन सा क्लब खुला है. ओके सर, आप नाइट लाइफ को कितना एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा पता लगाएंगे इस तरह क्लब में जाके मस्ती करते. तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ. अभी उन्होंने क्या बोला कि ये नाइट लाइफ एंजॉय नहीं करती, तो जब बीवी एंजॉय नहीं करती तो पति कैसे कर सकता है. सिंपल है. तो यू हैव टू डू व्हाट योर वाइफ वाइफ डज. एंड एक्चुअली हम दोनों यू नो क्लबिंग वाले नहीं है, लेकिन इट्स ऑलवेज नाइस. अगर दोस्त का क्लब रहता है तो इट्स नॉट मोर अ क्लब देन इट्स अ मोर हैंग आउट प्लेस फॉर यू. एंड बस अभी अंदर आई एम थिंकिंग कि बहुत अच्छा यू नो अरेंजमेंट हो एंड वी शुड हैव नाइस टाइम. थैंक यू. अरे हमारे लिए तो बहुत अच्छा है ना, वी आर गेटिंग वन मोर प्लेस टू पार्टी. सो बहुत अच्छा लगा, दोस्त का ही है क्लब एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी इट बिकॉज थोड़ा सा ग्लिम्स मिला है इसका एंड बहुत ही अच्छा बनाया है एंड वी विल सपोर्ट इट एंड वी विल टेल ऑल अदर पीपल ऑल्सो टू कम टू दिस प्लेस. यार हम लोग कौन से शहर में है, मुंबई में. यहाँ वैसे भी लोग सोते नहीं हैं, तो अगर नाइट लाइफ के लिए ये क्लब्स बनते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. सो आई मीन एवरीबडी इज एक्चुअली गेटिंग अ प्लेस टू सिट टॉक एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक यू नो मिलना हो जाता है दोस्तों से, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है. शुभकामनाएं मतलब हिंदी में नहीं हो सकती है, लाइक यू नो आई विल विश ऑल माय व्यूअर्स एंड ऑल लाइक यू नो लवली ऑडियंस दैट हैव अ ग्रेट ईयर 2018 में अच्छे दिन आए कि नहीं पता नहीं, बट 2019 में अच्छे दिन आएंगे. सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी. मैं इन सबको तो बेस्ट विशेस देने के लिए आई हूँ. बहुत अच्छा क्लब है, अब एंटर कर रहे हैं, देख रहे हैं अंदर क्या है, कुछ नया मिलेगा हमको ज़रूर. ओके मैम, आज मैम भी यहाँ पहुँच चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे आई है. मैंने इसको इनविटेशन दिया, ऑलरेडी इसको इनविटेशन था, बट फिर भी इसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे लिए आ रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो ये आए हैं. माई वेरी गुड फ्रेंड. ये तो अभी देखे नहीं, बट आप लोग क्लब को देखेंगे तो क्लब बहुत अच्छा बनाया गया है, आप प्लीज़ देखिएगा. मैं तो सब बताना चाहिए सर्विस बहुत अच्छी है, जो भी आया अभी तक किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की है, सब बहुत अच्छे से, ऊपर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आपको सर्विस बहुत अच्छी मिल रही है. बाकी ये ऊपर जाएंगे तो बताएंगे. नाइट क्लब्स के बिना तो आज के डेट में लाइफ बहुत अधूरी है, और हमारे लिए तो ये ज़रूरी है कि हम इतना काम का बर्डन से निकलने के बाद एक ऐसी जगह पे जाके हम चिल करें, थोड़ा म्यूजिक एंड एवरीथिंग, इट शुड बी देयर. गाना आ गया मेरा अभी दिसंबर में 3 तारीख को, एक पैक नाम है सॉन्ग का, इट्स अ पार्टी सॉन्ग, तो आप देखिए पसंद करिए उसको. मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, और अगले साल के लिए सबको पॉजिटिव एनर्जी देना चाहूँगी कि उनका अच्छा दिन और अच्छा साल शुरू हो. आई विश देम ऑल द बेस्ट. यार क्लब्स हमेशा अच्छे होते हैं, बिकॉज पार्टी करने की नई जगह मिल जाती है. सो आई विश दीज गाइज ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बहुत पसंद करता हूँ नाइट लाइफ को, कौन पसंद नहीं करता है. यू नो आफ्टर वर्क यू वांट टू कम आउट एंड चिल. आई होप हम नाइट लाइफ 4 बजे तक कर दें एटलीस्ट, जो अभी 1:30 बजे बंद हो जाता है. सो ऑफ कोर्स आई लव नाइट लाइफ जी. आई विश ऑल द व्यूअर्स ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर. एंड जैन में मेरा नया शो आ रहा है तो वो ज़रूर देखिएगा. मेरा शो अभी 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 प्रोमो शुरू है. इट्स अ फन शो, इट्स प्रोड्यूस्ड बाय एन इंटरनेशनल कंपनी, सो वो थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा. थैंक यू. मेरा नाम है प्रणव खुले
एंड ये मेरा हमारा नया वेंचर है, हम तीन पार्टनर्स हैं, तो आज इसकी लॉन्च है और थैंक यू मीडिया को कि आज आके कवर कर रहे हैं ये सब, और मेरे दोस्त लोग थोड़े बहुत इंडस्ट्री से आके आज थोड़ा ग्लैमर या लाया है जो, तो ये हमारा नया क्लब है, वेंचर है, 31 के पहले चालू करना था हमें, जो बाय गॉड्स ग्रेस हुआ है। ये लाइन पूरी क्लब्स की है, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि सबको वही फील दे, अच्छा होमली फील हो, इट इज़ फॉर ऑल द जॉनराज, ऑल एजेस, और सबको ये एरिया में सूट हो, एंड गुड म्यूज़िक, गुड फूड, वही बेसिक चीज़ें हैं, बट एक फ़र्क है कि एक लग्जरी बार है, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन टू प्लीज़ कम, एंड थैंक्स टू द मीडिया फॉर कमिंग हियर एंड कवरिंग द होल थिंग, थैंक यू। सो ये आइडिया आई बिकॉज मैं हर सैटरडे फ्राइडे पार्टी करता था, तो ऐसा दिमाग में चला कि वाई नॉट ओपन माई ओन क्लब, यू नो, बिकॉज आई हैव बीन इनटू द लाइन सो मच पार्टी कर करके, तो नया अपन ही क्यों नहीं एवेंचर कर ले। नाइट लाइफ अभी देखिए, ये दिस इज़ नॉट आवर मेन बिजनेस, हमारा मेन बिजनेस और है कोई, तो वो दिन भर वो स्ट्रेस से निकलने के लिए वी कम आउट टू सोशलाइज विथ माई फ्रेंड्स एंड अदर फ्रेंड्स, तो नाइट क्लब ही एक जगह है जहाँ पे आप दोस्तों के साथ खाना, ड्रिंक्स और वॉट एवर यू से विद डांस एंड म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं, खुद को रिलैक्स कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। आप आने वाले दिनों में तो बहुत कुछ देखेंगे, बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट लाइंड अप है, इंडियन मेजर आर्टिस्ट लाइंड अप है, डेफिनेटली वेनेशियन लग्जरी बार एक बड़ा बूम करेगा ये एरिया में, अंधेरी में, और पार्टी सीन का थोड़ा चेंज लाएगा, वी आर टेकिंग इट अ स्टेप अबव टू अ लग्जरी लेवल। बहुत करीबी दोस्त है सब, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने आके यहाँ सपोर्ट किया हमें आज, उनका सपोर्ट ही, प्रमोशन ही पब्लिक को ये मार्केट करेंगे कि यहाँ ये नई जगह खुली है, सो आई वुड लाइक टू थैंक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। सो क्रिसमस हो रहा है तो डेफिनेटली जगह लेट चलेगी बिकॉज गवर्नमेंट के परमिशंस है, अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज़ काइंड इनफ टू गिव अस परमिशन टिल 3 AM इन द मॉर्निंग, तो जगह 3 AM तक चलेगी, और डिस्काउंट्स ऐसे है कि वी हैव मैनी इवेंट्स सेटअप, डांसर्स, कार्निवल डांसर्स, बिग इंटरनेशनल डीजेज, एंड डेफिनेटली बिकॉज इट्स अ न्यू प्लेस पीपल विल गेट टू एक्सप्लोर द प्लेस मोर। अभी तो अंदर जा रहे हैं, वी हर्ड रियली गुड थिंग्स अबाउट दिस प्लेस, सो वी आर रियली एक्साइटेड, अभी देखते हैं अंदर जाके हाउ इज इट एंड देन वी लेट यू नो। मैंने तो लेकिन देख लिया, मैंने अंदर क्या है, मुझे काफ़ी लोगों के मैंने जो स्टोरीज में चेक किया, अच्छा। तो काफ़ी सही म्यूजिक बज रहा है अंदर और लाइट्स काफ़ी अच्छी हैं जो मैंने अभी स्टोरी में चेक किया है, बाकी अभी ऊपर जाके देखते हैं, बाकी really congratulations to the team. Congratulations guys. बहुत हम एक्चुअली बहुत इन्जॉय करते हैं, इसलिए हम तो बस मौका ढूंढते हैं, वी रियली इन्जॉय स्पेशली जब क्लोज फ्रेंड्स की कोई जगह हो, सो दैट्स वाई वी आर रियली एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। बॉम्बे में आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्लेस हमने एक्सप्लोर कर लिया है। बहुत अच्छा बोल रहे थे यार, ये सीख किया है, ये रिहर्स करके आए, ये लाइनें सारी, बट यार क्रेजी है, नाइट लाइफ किसको नहीं पसंद होती, मतलब इट्स सो मच फन। मैम आपका मैनेजर का कॉल, अच्छा गाना मैनेजर रागिनी नंबर वन शो है वर्ल्ड में। यार रागिनी के बाद अभी बहुत कुछ आ रहा है, एक जैन में वेब सीरीज आ रही है, इट्स फॉर SNG कॉमेडी, फिर एक फिल्म आ रही है जय माता दी, वो लव रंजन सर ने प्रोड्यूस करी है, और फिर एक और वेब सीरीज आ रही है वो अमेजोन प्राइम के लिए, मैं उसका नाम नहीं बता सकता, अभी शूट चल रही है उसकी नया जो अभी शुरू है, बाकी सही है, बाकी चल ही रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट कहूँगा, होप करता हूँ कि इनके पास कुछ अलग हो, कुछ खास हो। अब तक तो मैं अंदर गया नहीं हूँ, देखता हूँ मैं, वैसे मैं क्लबिंग वगैरह बहुत कम जाता हूँ, लेकिन देखता हूँ मैं, और ये हमारे दोस्त हैं बिल्कुल, तो और हमारे एक दोस्त हैं, हम लोग मतलब हम लोग आज इनकी ओपनिंग है, ऑल द बेस्ट कहूँगा, कहूँगा कि अच्छा म्यूज़िक प्ले करें, लोग खूब नाचें, दारू लोग खूब पिए। ये सही सवाल पूछा आपने, नाइट लाइफ बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन अभी ख़राब हो गई मुंबई की,
और रीज़न ये नहीं, रीज़न ये सब कुछ और भी है, रीज़न ये भी है ना कि हम लोग मानते नहीं हैं, हमें पार्टी भी करना है, हमें हंगामा भी करना है, हमें बदमाशी भी करनी है, तो सब कुछ नहीं हो सकता ना, गवर्नमेंट हमें पालने के लिए थोड़ी है, तो अगर हम अच्छे से रहे ना तो 5 बजे तक पार्टी होती थी बॉम्बे में, एंड मिस दिस, मिस दैट। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आए आज, चलो मेरे बोलने पे भी आए हैं, चलो इनके फ्रेंड्स भी यहाँ पे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी ये इन्जॉय करें, इनको अच्छा लगे तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू किरण। हाय, दिस इज विशाल आदित्य सिंह, विशिंग यू ऑल मेरी क्रिसमस एंड वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर, ब्लेस यू ऑल, डू वेल, बी अ गुड ह्यूमन।